नर्मदा मिशन के संस्थापक समर्थ भैया जी सरकार के खिलाफ थाना कोतवाली में शिकायत दी गई है। एडवोकेट तरुण शुक्ला ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि नर्मदा मिशन के संस्थापक द्वारा शिवलिंग के ऊपर खड़े होकर फोटो खिंचवाई है, इससे धार्मिक भावना आहत हुई है। एमपी में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त गोपालन पशुधन संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद महाराज ने इस हरकत पर कड़ी आपत्ति जताई है। बहुत गलत कर रहे हैं वो, और ऐसे दंभियों का जो भगवान से भी ऊपर अपने आप को मानते हैं उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। और पहली बात, उनके बारे में हमको जानकारी है कि वो परंपरागत रूप से कहीं हमारी किसी संत परंपरा से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं हैं। अपने आप को स्वयंभू और इस प्रकार से उन्होंने घोषित कर रखा है, नर्मदा मिशन बना लेना और नर्मदा मिशन के माध्यम से वो समाज में नर्मदा के प्रति जागरूकता लाना, ये तो अपनी जगह पर ठीक है, परंतु भगवान शंकर का इस प्रकार से अपमान करना, उनके शिवलिंग के ऊपर बैठ जाना, चढ़ जाना और अपने भक्तों से अपने ऊपर गंगा नर्मदा की बालू चढ़वाना और अपने शरीर पर हाथ फिरवाना, और जिस आपत्तिजनक ढंग से वो दिखाई पड़ रहे हैं, हमारे नागा साधु भी इस प्रकार का आचरण नहीं करते हैं, इसलिए मैं उनकी निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ, और ऐसे दंभियों के लिए मैं कहता हूँ लोगों से कि उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। और जो FIR बच्चों ने आज दर्ज कराई है, मुझे जानकारी मिली है, वो ठीक है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और सरकार से भी कहता हूँ कि ऐसे लोगों पर कड़े कदम उठाने चाहिए, ऐसे दंभियों को समाज से उखाड़ के फेंकना।